गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही इतनी तेज? चले। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग बच्चे? आज मैंने क्लास ट्वेल्थ के लिए क्विज एक ऑर्गेनाइज की थी। मैंने कहा था कि क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले होंगे स्क्रीन पर और आपको उनके आंसर्स करने होंगे, ठीक है? तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 चारों चैप्टर्स की क्विज के लिए मैंने आप लोगों को बोला था। सो आई होप आप लोग चारों चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए हो। कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे तो बहुत आसानी से आप लोग आंसर दे सकते हो, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो स्क्रीन पे नहीं है लेकिन मैं आपसे पूछूंगी, है ना? तो देखते हैं आप लोगों को कितने क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, ठीक है? उससे पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कल 1 नवंबर है एंड इट इज़ गोना बी द एनिवर्सरी। पूरा एक साल कंप्लीट हो जाएगा बायोफिलिक भावनापुरी चैनल को, एंड हमारे जो मेंबरशिप है यानी कि टोटल हम लोग कितने हैं, 25,000 पीपल हैं जो कि कनेक्टेड हैं इस चैनल से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे, ठीक है? सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, राइट? सो बच्चे मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, आप लोगों को पर्सनली कोई प्रॉब्लम होती है कि मैम इस चैप्टर की वीडियो डालो, जैसे कि आप लोगों ने मुझे बोला चैप्टर नंबर 8 सेल जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है उसके रिमेनिंग पार्ट्स डाल दो, मैं पक्का 1-2 दिन में सेल के रिमेनिंग पार्ट्स भी डालने वाली हूँ। साथ साथ 12 चैप्टर क्लास 12th का जो कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन वाला है उसके भी रिमेनिंग पार्ट डाल दूंगी, ठीक है? थोड़ा सा डिले हुआ, मैं बिल्कुल माफ़ी चाहती हूँ उस चीज़ के लिए, बट हाँ मैं आप पक्का जल्दी से उनको अपलोड कर दूंगी, ठीक है? बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, रेगुलर रहिए आप लाइव क्लासेस में, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सागर, थैंक यू। सो बच्चे कल पूरा एक साल हो जाएगा, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए भी आप लोगों के लिए वीडियोस अरेंज करूंगी ऑन अनदर चैनल, ठीक है? सो बायोलॉजी आपको पूरी मेरे चैनल से कवर करनी है, बायोफिलिक भावनापुरी से, राइट? और बाकी चैनल जो दूसरा चैनल होगा उस पर हम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की वीडियोस देखेंगे 11th और 12th दोनों के लिए, ठीक है? बट उससे पहले मैं बता दूँ, मैंने इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियोज़ के लिए आपसे बोला था, प्रॉमिस किया था कि स्पीकिंग की क्लासेस मैं शुरू करूंगी कल से। वी विल स्टार्ट स्पीकिंग सेशन फ्रॉम टुमारो। तो कल से मैं जो स्पीकिंग की क्लासेस है वो शुरू कर रही हूँ। मैं आपको लाइव क्लास में जो चैनल है उसका लिंक शेयर करूंगी, क्योंकि कल एक साल होने वाला है तो चैनल भी अगला कल ही बनेगा, ठीक है? मैंने अभी तक बनाया नहीं है, राइट? सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन, और आज हम डिस्कस करेंगे क्विज जो कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 है क्लास 12th के लिए, ठीक है? आलोक को आज बहुत जल्दी हो रही है तो फटाफट से भाई क्विज स्टार्ट कर देते हैं, है ना? चलो तो भाई बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बड़े बहुत ही आसानी से आप लोग इनके आंसर कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 91, तो फटाफट से एक बार देखते हैं। द डैश एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू डैश ऑफ द फ्लावर, तो फ्लावर का फिलामेंट का कौन सा पार्ट किससे अटैच्ड होता है? डिस्टिल अटैच होता है थैलेमस से, डिस्टिल अटैच होता है सेपल या पेटल से, डिस्टिल अटैच होता है पेटल या फिर थैलेमस से, एंड फोर्थ इज द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और पेटल। सो बताइए विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ज्यादा टाइम हम देंगे नहीं इसमें। अरे वाह, वेरी गुड, कोई बात नहीं शेखर चौधरी, आज फिर आप अगर 1, 2, 4 तो आपने पढ़े नहीं होंगे, है ना, तो आप इनके आंसर्स नहीं कर पाओगे, बट कोई बात नहीं। वेरी गुड बच्चों, 91 का 4 बिल्कुल सही है। जल्दी जल्दी करेंगे, आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आपको आता ही होगा, राइट? ये देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इन चारों को पढ़ो और जो उसमें से गलत स्टेटमेंट है वो सेलेक्ट करो। लिखा हुआ है फ्लावर इज मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज एपिडर्मिस एंड हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, राइट? Each stamen of capsula has 2 microsporangia only, and sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. बताइए बच्चों। Hello Mahi, thank you Shekhar Chaudhary. तो देखते हैं कौन इसका बिल्कुल सही आंसर बताने वाला है। खुशनीत सिंह, श्रुति डी बोल रहे हैं, सब बच्चे डी बोल रहे हैं।
डी में है। स्पोरोजेनियस टिश्यू ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो भी एक बार देखिए, क्या पूछा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है, ठीक है? तो चलो देखते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन बता रहा है। सब बच्चे डी और सी के बीच में ही कंफ्यूज्ड है, कोई डी कह रहा है कोई सी कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 92 है। बताइए भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है ईच स्टेमन ऑफ कैप्सुला हैज फोर माइक्रोस्पोरेंजियम। अरे यार, फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने देखा था कि जो एंथर है ना, वो बायलोब्ड है, दो लोब है और हर एक लोब में दो थीका है जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, चार माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं होने चाहिए थे? यहाँ पे तो 2 लिखा हुआ है, तो यही तो इनकरेक्ट हो गई बच्चों। 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 3। 92 का करेक्ट आंसर क्या है बेटा? वेरी गुड, अब सब बच्चों का 3 आ रहा है। चलो नेक्स्ट, द होल्ड ऑफ कार्पल्स यानी कि कार्पल्स के जो ग्रुप होते हैं उसको क्या कहते हैं? 93 का बताओ बेटा, हरी आप। वेरी गुड आलोक, शैना, सागर, श्रुति। वेरी गुड श्रुति, बिल्कुल सही बोला आपने। वेरी गुड अर्पित, अरे क्या बात है। वेदांशी, अंकुश, सबका ठीक है आज तो। विशाखा का भी, माही, नूर। वेरी गुड मिकी, रितेश। अरे वाह, रितेश और दीपाली ने फटाफट से आंसर दे दिया। मैम बोला है 93 का करेक्ट आंसर है 1। ओहो आलो, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो आप। क्या लिखा है अनुष्का? मी आगे क्या लिखा है समझ नहीं आया बेटा। पूछा है ग्रुप ऑफ कार्पल्स है ना, तो क्या लिखोगे आप? अरे वाह, सागर ने 3 बोला है लेकिन सब बच्चे 1 बोल रहे हैं। मिक्की, कार्पल्स क्या होती है? कार्पल्स आपने पढ़ा होगा कि पिस्टल और कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के नाम होते हैं, एंड द साइंटिफिक नेम यूज फॉर द फीमेल सेक्स ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर वो गाइनोशियम ही तो होता है। तो क्या होना चाहिए बच्चों? फर्स्ट। वेरी गुड रितेश, मुजफ्फर। वेरी गुड अर्चना, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट फ्लावर। अरे ये तो पता होना चाहिए यार, क्लास 12 चैप्टर नंबर 2। टॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है बच्चों? हेलो वॉइस वेपन, वेलकम। कोई बात नहीं बच्चे, चलिए बेटा आंसर बताइए, आंसर बताओ। यस अर्पित, 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वेलिस्नेरिया, रेफेल्सिया, अमॉर्फोफेलस या फिर जोस्टेरा, बताइए। ओके विदांशी, रितेश, रेहाना, प्रिंस, उमा, दीपाली, नवदीप, रानी, विदांशी, सबने बोला है 3। वेरी गुड, अरे क्या बात है, सबको आंसर आता है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट बताओ रिहाना, लेट्स सी आपको ये आता है या नहीं। चूज द करेक्ट फंक्शन ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर। आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स गिवन हैं और आपको इन चारों के या जो पांच दे रखे हैं करेक्ट फंक्शन सेलेक्ट करने हैं, ठीक है? चलो तो बता दो करेक्ट फंक्शन, और जूम कर देती हूँ मैं इसको, यू कैन ऑब्जर्व दिस। बताइए करेक्ट फंक्शन, बताइए बच्चों किसका है? ए, ये ए आपको क्या लग रहा है? दिस सीम्स टू बी कनेक्टिव टिश्यू, तो क्या ए का काम प्रोटेक्शन होगा? नहीं होगा, वो तो आउटर मोस्ट लेयर का काम होता है यानी कि एपिडर्मिस का। बी, बी में लिखा हुआ हेल्प इन डिस्टेंस ऑफ एंथर। जब पहला ही गलत है तो दूसरा देखना ही क्यों है ना। बी में लिखा हुआ है कि वो प्रोटेक्शन का काम कर रही है, और ई में लिखा हुआ है कि वो न्यूट्रिटिव लेयर है। ई ये है बच्चों और बी ये है, ठीक है? देखते रहना। सी में बोला है ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये डिस्टेंस करवाता है एंथर का, और डी फोटोसिंथेसिस करवाता है। ऐसा हो सकता है भला? नहीं हो सकता। ए लिखा हुआ है कि वो प्रोटेक्शन का काम करेगी और सी न्यूट्रिटिव लेयर है। बेटा विच वन इज करेक्ट? ऋतिक नागर ने 2 बोला है। वेरी गुड ऋतिक, वेरी गुड। और किस बच्चे ने? सागर राज ने, श्रुति ने, बहुत बढ़िया। मैंने आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 95। चलो जल्दी बताओ क्या करेक्ट आंसर है। 2, सागर ने पहले बता दिया 2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बच्चों, देखो ये जो बी लेयर है ना एंडोथीशियम, और जो ई लेयर है ये टेप्टम है जो न्यूट्रिटिव होती है। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस होती है, फिर आपने मिडल लेयर भी पढ़ा है, एंडोथीशियम भी पढ़ा है, एंड द इनर मोस्ट इज
क्या होती है? टेप्टम। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टेप्टम? न्यूट्रिटिव लेयर होती है वो, न्यूट्रिशन देने का काम करती है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 96। कौन सा क्वेश्चन है? 96। अब क्वेश्चन नंबर 96 में क्या बोला, थोड़ा नीचे कर देती हूँ। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? द जनरेटिव सेल डिवाइड्स मियोटिकली, यानी कि मियोसिस करेंगे टू गिव राइज टू टू मेल गैमेट्स। ठीक है, 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होती है वो टू सेल स्टेज में होती है। जंप और ऐसी जगह है जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होते हैं। पॉलन ग्रेन्स जनरली स्पेरिकल होंगे और 25 से 50 म्यूमीटर का साइज होगा। तो गलत स्टेटमेंट बतानी है बच्चों, इनकरेक्ट। अर्पित गुप्ता ने 1 बोला है, अंकुश कभी 3 कभी 4 भटक गए, उमा ने 2, रिकेश ने 1 बोला है, दीपाली ने भी 1 बोला है। वेरी गुड बच्चों, जिन्होंने 1 बोला है वो बिल्कुल सही है क्योंकि गलत पूछा है ना बेटा। जो जनरेटिव सेल है वो माइटोसिस करता है ना कि मियोसिस। इक्वेशनल डिवीजन होती है अंकुश, इक्वेशनल डिवीजन होती है। हेलो हेमंत, वेलकम। करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा बच्चे, जो जनरेटिव सेल है वो माइटोसिस करते हैं, तभी तो 2 मेल गैमेट्स बनेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 97 देखिए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ एनिमोफिलस प्लांट। बच्चों एनिमोफिलस का मतलब बताइए पहले मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमोफिलस? चलो हरी अप, जल्दी बताइए एनिमोफिलस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमोफिलस? मीनिंग बताओ। हेलो पायल, हेलो नजरीन। चलिए बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमोफिलस प्लांट? नो डिस्कवरिंग माई सेल्फ, दैट्स रॉन्ग। वेरी गुड अर्पित, उमा। विंड पॉलिनेटेड प्लांट, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर हवा के थ्रू, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होती है, उनको कहा जाता है एनिमोफिलिक, है ना। देखो बच्चों ध्यान से सुनिए मेरी बात, पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो जो एंथर था वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था ना, स्टेमन का एक पार्ट था, और जो स्टिग्मा है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। तो जब मेल गैमेट्स जाएंगे फीमेल के पास तो वो पॉलिनेशन होगी, फिर जब वो आपस में फ्यूज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी, राइट। तो एक बात सोचो कि वो जो पॉलन ग्रेन्स है जो कि एक्चुअल में मेल गैमेटोफाइट है, वो पहुंचेंगे कैसे फीमेल के पास? या तो हवा के थ्रू पॉलिनेशन होगी, या पानी के थ्रू होगी, इंसेक्ट के थ्रू हो सकती है, बर्ड्स के थ्रू हो सकती है, या बैट के थ्रू हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, हवा यानी कि विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसको एनिमोफिली कहा जाता है। क्या कहते हैं? एनिमो, ANEMO। ठीक है, इंसेक्ट के थ्रू होती तो इंटेमोफिली, ENTAMO, इंटेमोफिली, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन, राइट। वाटर के थ्रू होती तो हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है। ठीक है, मैंने फिर आपको बताया था कि बर्ड के, उसके बैट के थ्रू हो सकती है, चिरोप्टोफिली कहा जाता है, चिरोप्टोफिली, बैट के थ्रू पॉलिनेशन, और बर्ड्स के थ्रू होगी तो ऑर्निथोफिली, ऑर्निथो। क्लियर हो गया? तो ये हमें याद रखना है किस किस तरीके से पॉलिनेशन हो सकती है। तो बच्चे आपसे पूछा है जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होती है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है? क्या इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं? क्या हर एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं? पॉलिनेशन जब विंड से होती है वो एबायोटिक में सबसे ज्यादा कॉमन है, या फिर इनके पास जो स्टेमन है वो वेल एक्सपोज्ड है? बताइए, नॉट अ कैरेक्टर, इसमें से कौन सा गलत होगा बच्चों? रिकेश, अर्पित, वेरी गुड, रिहाना, अनुष्का, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने 2 बोला है, बिल्कुल सही है। क्योंकि बेटा विंड से जब भी पॉलिनेशन होती है तो सिंगल ओव्यूल होता है उनके ओवरी में, क्या होता है? सिंगल ओव्यूल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 बताइए, टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर में क्या प्रेजेंट होता है बताओ?
बताइए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर में क्या प्रेजेंट होगा। चलिए चारों में से कौन सा, बिल्कुल ठीक है, ये मैंने वही समझाया था आपको, इस स्ट्रक्चर में वही समझाया था मैंने। टेल मी विच वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98। कुछ बच्चे टू कह रहे हैं, कुछ बच्चे फोर बोलते जा रहे हैं। फोर, वेरी गुड पलकप्रीत, बिल्कुल सही बोला ऋतिक, फोर्थ इज द करेक्ट वन। जो एंजियोस्पर्मिक अंतर होता है वो बायलोब्ड है, दो लोब्स है, हर लोब में दो थीका है, वन टू, तो ये क्या हो गया बेटा, डायथिकस। अब कितने माइक्रोस्पोरेंजियम, वन टू थ्री फोर, तो ये हो गया टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय विच डिवीजन। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिवीजन होगी तभी मेल गैमेटोफाइट बनेगा, तो आप बताइए कौन कौन से डिवीजन इसके अंदर होती है। चलिए 99 का करेक्ट आंसर बताओ बच्चे, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर 99। मेघा ने फोर बोला है, अंश ने थ्री, श्रुति ने फोर, नरेश चंद ने तो ए पार्ट बोला है। चलो देखते हैं 99 का करेक्ट आंसर बताओ बेटा, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। बोलो नाइनटी नाइन का। नवदीप ने थ्री बोला है, डिस्कवरिंग ऋतिक, वेरी गुड बच्चे, थ्री इज द करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर होगा थ्री, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 100। व्हेन द यंग एंथर, जो भी यंग एंथर होता है, व्हेन एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, होमोजीनियस सेल्स ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में जो होमोजीनियस सेल्स का टिश्यू है उसको क्या कहते हैं बताइए। एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेप्टम या स्पोरोजीनियस टिश्यू, टेल मी विच वन इज द करेक्ट आंसर। 100 क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर क्या है। वेरी गुड अर्पित, नवदीप, सागर, बहुत बढ़िया साहिल, बिल्कुल सही बोला दिव्या। फोर्थ स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पॉलन ग्रेन ऑफ विच लूजेस वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स, इनमें से किसके पॉलन ग्रेन्स 30 मिनट में ही वायबिलिटी को लूज कर देते हैं। वायबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू जर्मिनेट, किन पॉलन ग्रेन्स की जर्मिनेट करने की क्षमता 30 मिनट में ही खत्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। चलो जल्दी से बताओ, व्हीट, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी या फिर सोलेनेसी, टेल मी विच वन इज द करेक्ट आंसर 101 का। अरे वाह अनुष्का बेटा, गलत बोल रहे हो। थैंक यू जितेंद्र, थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही बोला बच्चों, सबने एकदम सही बोला, वीट इज द करेक्ट आंसर। आधे घंटे में इसकी जर्मिनेट करने की एबिलिटी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, देखो फोटो ग्रिड लिख के आ गया क्योंकि मैंने फोटो ग्रिड से बनाई थी। चलो खैर, यहाँ पे लिखा हुआ है विच रिप्रेजेंट्स द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, विच रिप्रेजेंट्स द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, चैलिजा, माइक्रोपाइल, इंटीग्यूमेंट, फ्यूनिकल, चैलिजा, माइक्रोपाइल, इंटीग्यूमेंट, फ्यूनिकल। चलो बताओ जरा करेक्ट आंसर क्या होगा 102 का। 102 का करेक्ट आंसर बताइए बच्चे, कुछ बच्चे मोस्टली बच्चों ने 111 बोला है, लेट्स सी किसका ठीक है। और बताओ बच्चों फटाफट से, सब बच्चों ने वन बोला है, क्या बात है, सबको आता है, बिल्कुल सही बच्चे, चैलेंजल इज द बेसल पार्ट, ठीक है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलो अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, क्या क्वेश्चन है 135। अरे 103, 102 से हम 135 पे आ गए, क्या बात है। चलो भाई कोई बात नहीं, क्वेश्चन ये है, इन एंजियोस्पर्म्स ट्रिपल फ्यूजन प्रोड्यूसेस, अरे कोई क्वेश्चन हुआ, ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट में क्या बनता है, चलो जल्दी बता दो, ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट में क्या बनेगा, लेट्स सी कौन बताएगा। ट्रिपल फ्यूजन पलकप्रीत, क्योंकि जब आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, तो जो बेसल वाला पार्ट होता है वो चैलेजल होता है, एंड देन अपर पोर्शन इज द माइक्रोपाइल, जहां पर ट्यूब होगी। ठीक है चलो बताओ 135 का बताओ, वेरी गुड अर्पित,
उमा, दीपाली, रेहाना, अंश, मिकी, मुबीन, क्या बात है अभिनव, सबने बिल्कुल सही बोला। राहिल, राहिल, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, PEN, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सेमिनल प्लाज्मा। अब आ गया चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन। भाई जो सेमिनल प्लाज्मा होता है ह्यूमन मेल्स के अंदर, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? ए फ्रक्टोज एंड कैल्शियम, बी ग्लूकोज एंड कैल्शियम, सी डीएनए एंड टेस्टोस्टेरोन, एंड फोर्थ है राइबोज एंड पोटेशियम। लेट्स सी कौन बताएगा। हरी आप, 136 का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 136। दिव्या ने 3 बोला है, अर्पित ने ए। क्वेश्चन नंबर 136 का करेक्ट आंसर बताओ बच्चों। अरे आप, वन थर्टी सिक्स का बहुत बढ़िया, सबने, मोस्टली सबने फर्स्ट बोला है, विच इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बच्चों, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फ्रक्टोज एंड कैल्शियम होता है सेमिनल प्लाज्मा में, है ना। अब बताइए, वसेफ्रेंशिया आर द डक्ट्स प्रेजेंट बिटवीन, वसेफ्रेंशिया किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड रेटी टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस टू एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा। चलिए, वसेफ्रेंशिया कहाँ पर प्रेजेंट होती है? वन थर्टी सेवन, वन थर्टी सेवन, किसी ने 2 बोला है, किसी ने 4। सही सोच के बताओ बच्चों। 137, 2 है बेटा, वेरी गुड। रेटी टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, 138, सर्टोली सेल्स कहाँ मिलते हैं? भाई सर्टोली सेल्स कहाँ मिलेंगे और क्या फंक्शन करेंगे? क्या वो ओवरीज में मिलते हैं और प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स में एड्रिनलिन को सिक्रीट करेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे जर्म सेल्स को, या पेनक्रियाज में मिलेंगे और CCK को प्रोड्यूस करेंगे? बताइए कौन सा करेक्ट होगा। 138, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। अरे आप, ओके, क्या बात है, सब बच्चों ने 2 बोला है, सब, सॉरी 3 बोला है सब बच्चों ने। अनुज मानसी, 3 है बेटा, सी 3 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड दिव्या। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मिलते हैं सर्टोली सेल्स और न्यूट्रिशन देते हैं जर्म सेल्स को, ठीक है। चलो 139 बताइए, अगर किसी रीजन से वसेफ्रेंशिया ब्लॉक हो जाए तो क्या, कहां से कहां पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा गैमेट्स का? ऊपर वाला ये बिल्कुल ऊपर जैसे क्वेश्चन है ना भाई। आपको अगर ये पता है कि वसेफ्रेंशिया की पोजिशन कहां पर होती है तो आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलो, अगर किसी कारण से वसेफ्रेंशिया ब्लॉक हो जाए तो गैमेट्स कहां से कहां ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, बताइए। वजाइना से यूट्रस, टेस्टिस से एपिटिडाइमिस, एपिटिडाइमिस से वास डिफेंस, या फिर वास डिफेंस से यूरेथ्रा, बताइए बच्चों। अरे वाह अनुष्का, रितिक, डिस्कवरिंग, पलकप्रीत, सब 2 2 2 बोल रहे हैं, वेरी गुड। रितेश, सोच लो एक बार क्या होगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड अर्पित, उमा भारती, सेकेंड इज द करेक्ट वन, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 140, 140 बताइए, प्रोस्टेट ग्लैंड्स आर लोकेटेड बिलो टेस्टिस, सेमाइनोवेसिकल, एपिडिडाइमिस, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, बताइए। प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहाँ पर लोकेटेड होते बेटा? आ रही है आप, जल्दी जल्दी बताओ। प्रोस्टेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बिलो, सब बच्चों ने 2 बोला। हां जी अर्चना जी, अर्चना का पूरा नाम है अर्चना जय माता सिमसा जी अर्चना पूरा नाम बोला है अर्चना, मैंने गुस्सा मत हो ना, ठीक है। वेरी गुड बेटा, सब बच्चों ने सेमिनल वेसिकल बोला, बहुत बढ़िया, सही आंसर है। चलो ये बताओ, दी सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीजन ऑफ द मेमेलियन ओवम अकर्स, यानी कि जो मियोसिस 2 होती है, जो सेकेंड डिवीजन होती है मेमेलियन ओवम की, ओवम में, वो कब होती है? शॉर्टली आफ्टर ओव्यूलेशन, बिफोर द ओवम मेक्स एंट्री इन टू फेलोपियन ट्यूब, अंटिल आफ्टर द ओवम हैज बीन पेनिट्रेटेड बाय स्पर्म, अंटिल द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म हैज फ्यूज्ड विद द न्यूक्लियस ऑफ ओवम इन द ग्राफियन फॉलिकल फॉलोइंग द फर्स्ट मैच्यूरेशन डिविजन, बताइए। बोलो, आई मीन लिखो, व्हाट कुड बी द पॉसिबल आंसर।
141 का बताओ, मानसी, अर्पित, दीपाली जी, बिल्कुल रेहा शर्मा, बिल्कुल लेंगे आपका नाम। आंसर बताओगे करेक्ट तो पक्का बताऊंगी मैं। 141 का करेक्ट आंसर बताइए बच्चों, 141 का करेक्ट आंसर। क्या क्वेश्चन पूछा है, ढंग से पढ़ेंगे सभी। बहुत बढ़िया, सेकंड इज द करेक्ट। अंटिल आफ्टर द ओवम हैज बीन पेनिट्रेटेड बाय अ स्पर्म, ठीक है। तो जब स्पर्म की एंट्री होती है तभी जो मियोसिस टू है वो कंप्लीट हो रही होती है भाई, याद रखना है सभी को, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। चलो अच्छे से पढ़िए, दिख रहा है ना सबको, व्हाट कुड बी द करेक्ट सीक्वेंस, अच्छे से पढ़ो और बताओ क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा। चलो पढ़ो, बताओ बताओ, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, बोलो बच्चे। हाँ जी शेख या सर, आपका नाम क्यों नहीं लेंगे, आप आंसर्स देते रहो, जो जो बच्चा आंसर देते मैं सबका नाम लेती हूँ। और तुम लोग फॉलो नहीं कर रहे हो, मैंने इंस्टाग्राम पे बोला था कि पूरी डॉट भी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग वहां पर फॉलो कर सकते हो, और आईजीटीवी वीडियोस को अपनी स्टोरी पे लगाओ, मुझे टैग कर देना बस, ठीक है। ठीक है बच्चे, और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियोस को अपने स्टेटस पे शेयर कर दिया करो, दोस्तों के साथ, स्कूल ट्यूशन ग्रुप में, ठीक है। ऐसे ग्रुप में करना जहां पिटाई ना हो। क्या इसका करेक्ट आंसर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 142 का करेक्ट आंसर। हेलो दिशा, 142 का करेक्ट आंसर बताइए, स्पर्म की फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस। चलो लेट्स सी, बच्चे 2 2 2 बोलते हैं, सब बच्चे 2 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 4 बोल रहे हैं, जैसे कि नवदीप ने 4 बोला है ना। 2 है, पहले स्पर्मेटोगोनिया आया, फिर स्पर्मेटोसाइट बना, फिर स्पर्मेटोजोआ बना, फिर स्पर्मेटिड, ऐसा कैसे हो सकता है। जब स्पर्मेटिड में टेल की एडिशन होती है तभी तो स्पर्मेटोजोआ बनता है, तो इसका मतलब है 4 बिल्कुल करेक्ट होगा नवदीप, क्या बात है, बहुत बढ़िया, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर बच्चों। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर डिप्लॉयड ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। चलो गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स की फॉर्मेशन जब होती है तो कौन से सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, लेट्स सी कौन बताएगा। 143 श्रुति, 143 का बताइए, 143 का। अरे वाह, सब बच्चे 4 4 बोल रहे हैं, श्रेया, विशाखा, वेदांशी, प्रियंका, फिरोज, 4 इज द करेक्ट आंसर। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है, देखा ना आप, स्पर्मेटोगोनिया, तभी तो ये मियोसिस करेगा, तभी तो क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, ठीक है। आगे देखो, एट द टाइम ऑफ बर्थ डेवलपमेंट ऑफ ओवम इज अरेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ, बर्थ के समय पर ओवम की जो डेवलपमेंट है वो सस्पेंड हो जाती है, यानी कि अरेस्ट हो जाती है, कौन सी फॉर्म में अरेस्ट होगी, ऊगोनिया, प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट या फिर एग। चलो जल्दी बताओ, हरी आप, लेट्स सी कौन बताएगा, जल्दी बताओ बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने सेकेंड बोला है, यानी कि प्राइमरी ओसाइट, बिल्कुल सही, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145 बताइए, कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ तो पढ़ो ना। देखो, डीएनए कंटेंट माइटोकॉन्ड्रिया शीथ, साइटोप्लाज्म लेयर या स्पर्म लाइसिन, डीएनए कंटेंट माइटोकॉन्ड्रियल शीथ, साइटोप्लाज्म लेयर या स्पर्म लाइसिन। बताइए बेटा 145 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलिए। कुछ बच्चों ने 3 बोला है, प्राइमरी ओसाइट तो हो गया बेटा, आगे 3, फैज ने, राहिल ने, सबने 3 बोला है, श्रुति 4 बोल रही है, अंकुश ने भी 3 बोला बेटा, 3 इज द करेक्ट आंसर। साइटोप्लाज्म लेयर सिर्फ हेड वगैरह रीजन में ही प्रेजेंट होता है स्पर्म के, और ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, ये ट्यूबुलर प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्पर्म्स की ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं,
ठीक है, सो दीज आर बेसिकली द साइटोप्लाज्मिक लेयर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड, ऑल्टर हो सकती है मेंस्ट्रुएशन, अगर रोकना है उसको चेंज करना है, ऑल्टर करना है, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, किसके एडमिनिस्ट्रेशन से ऐसा किया जा सकता है। 146 बताइए, मैं जूम कर देती हूँ और बच्चों को नहीं दिख रहा तो अर्पित, क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है अगर उसको हमें डेफर करना हो, है ना, डेफर करना हो तो हम किस चीज को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, बताइए। अरे अब हाँ जी राहिल, क्या डाउट है बोलिए। बोलो क्या डाउट है बच्चे। वेरी गुड वेदांशी, फोर बोला आपने, सही बोला, फोर इज द करेक्ट आंसर। कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, भाई ये जो ओव्यूलेशन को इनहिबिट किया जाता है, ओरल पिल्स दी जाती हैं या जितने भी ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं उनके अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का तो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसी से तो हम मेंस्ट्रुएशन को, जो ओव्यूलेशन उसको रोक सकते हैं। ठीक है, बताओ मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ, 147, मेंस्ट्रुअल फ्लो कब होता है, किसके लैक से। हाँ जी अनूप, वेरी गुड। हाँ जी श्रुति, 146 का 3 वो गलत है, 146 का 4 है बेटा, 146 का 4 है ना। अब 147 का बताओ, मेंस्ट्रुअल फ्लो किसकी कमी से होता है। वेरी गुड अर्पित, प्रोजेस्टेरोन की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन कॉर्पस ल्यूटियम का, मेन फंक्शन बताइए, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। 148 बताओ बच्चे, 148 दीपाली, 148 बताइए अंकित, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। बहुत बच्चों ने 1 और बहुत बच्चों ने 2 बोला है, 2 इज द करेक्ट आंसर, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना उसका मेन फंक्शन होता है, टू रिलीज प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, लिखा हुआ सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन इज कॉल्ड, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है फीमेल्स में उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, सीज हो जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, जल्दी बताइए क्या बोलेंगे। 149 का करेक्ट आंसर दीपाली, वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड श्रेया, बहुत बढ़िया दीपाली। 3 मेनोपोज, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज कर जाएगी तो उसको बोलेंगे मेनोपोज। ठीक है, आगे देखिए, इफ द ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ फीमेल इज 38 डेज, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ल्यूटियल फेज एंड व्हाट इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन, बताइए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेंस्ट्रुएशन के जो पूरे डेज है वो 38 है, तो जो ल्यूटियल फेज है उसके डेज कितने होंगे। राहिल चौधरी, मैच्योरेशन बंद हो जाएगी तो स्टेराइल हो जाएगी क्या फीमेल, क्या स्टेराइल हो जाएगी जी, अगर मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाएगी तो स्टेराइल तो कह सकते बेसिकली, क्योंकि एग रिलीज नहीं होंगे, है ना, सो शी वुडंट बी एबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, 149 बताइए, सॉरी 150 बताओ, 150 बताओ अब, आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन, ल्यूटियल फेज कितने दिनों का होगा, ड्यूरेशन क्या होगी और ओव्यूलेशन का डे बताना फिर आपको। बोलो बोलो बोलो, 150 गौरव ने बोला है, 1 अर्पित ने बोला है 14 and 24। अच्छा जी अर्पित, कैसे पता बताना जरा, लास्ट टाइम मैंने समझाया था आपको कैसे हुआ। 1 बिल्कुल ठीक है बच्चों, गौरव बिल्कुल ठीक बोला आपने, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कैसे पता चलेगा हमें, एक टर्म मैंने आपको बताई थी अनूप, हमेशा याद रखना जो ल्यूटियल फेज होता है वो 14 डेज का होता है, नॉर्मल फीमेल में, हेल्दी फीमेल में जो ल्यूटियल फेज होगा वो 14 डेज का होगा। ठीक है, तो जो बाकी के डेज बचेंगे वो ही तो बचे हुए डेज होंगे, तो 38 की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, तो हमेशा जो ल्यूटियल फेज है अगर वो 14 डेज का था तो बाकी के डेज 24 ही तो बचे, 38 माइनस 14 तो यानी कि 24। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, सब बच्चे आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छे। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, 151 क्वेश्चन देखिए, 151 वेरी गुड दिव्या। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस अ शॉर्ट सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, व्हाई, भाई ऐसा क्यों होता है कि पॉलिनेटर की एब्सेंस में भी
जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स है वो अश्योर्ड सीड सेट देते हैं, है ना, पॉलिनेटर नहीं है तब भी सीड सेट हो रहा है, ऐसा क्यों बोलिए? बिकॉज दे हैव फ्रेग्रेंस, रिमेन ओपन, ऑटोगेमस या फिर कलर्ड, बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा 151 का? अरे बहुत बड़े, सब बच्चे ने 3 बोला है, बिकॉज दे आर ऑटोगेमस, ठीक है। वैसे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, दे आर ऑलवेज क्लोज्ड, राइट। चलो नेक्स्ट बताओ 152। ये सारी स्टेटमेंट्स पढ़ो, गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फ्लावर्स आर स्मॉल ऑफन पैक्ड इन फ्लोरोसेंस, फ्लावर्स आर कलरलेस, नेक्टरलेस एंड ऑडोरलेस, वेल एक्सपोज स्टेमेंस, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर विद लाइट एंड नॉन स्टिकी, फ्लावर ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल, स्टिग्मा इज लार्ज एंड ऑफन फेदरी, द अबव कॉन्ट्रिवेंस फेवर। ये किस तरीके की पॉलिनेशन में होते हैं फीचर्स, ये फीचर्स किस तरीके की पॉलिनेशन में होंगे बच्चों? क्या वाटर से हाइड्रोफिली, विंड से यानी कि एनिमोफिली, ऑर्निथो यानी कि बर्ड्स, एंटामो यानी कि इंसेक्ट, किस में पॉलिनेशन होती है जब ऐसे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, किसके थ्रू? जल्दी बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा बच्चों? फ्लावर्स छोटे हैं, कलरलेस है, नेक्टरलेस है, ओडोरलेस है, वेल एक्सपोज स्टेमन है, स्टिग्मा लार्ज और फेदरी है। वेरी गुड राहिल, गॉड गेमिंग, अनुष्का बहुत बढ़िया, एनिमोफिली यानी कि पॉलिनेशन बाय विंड, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, लॉन्ग सिल्की हेयर कमिंग आउट ऑफ द कॉब, भाई मेज के अंदर ही जो कॉर्न कॉब आपने पढ़ा था वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? भैया जल्दी बता दो किसको रिप्रेजेंट करते हैं टेसल्स ऑफ द कॉर्न कॉब? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? यस अर्पित, डेफिनेटली बिल्कुल सही बोला था आपने, बताओ बच्चों। वेरी गुड श्रेया, डिस्कवरिंग अनुष्का, डिस्कवरिंग बहुत बढ़िया, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, स्टाइल स्टिग्मा एंड स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बढ़िया बच्चों। टॉलेस्ट फ्लावर बता दो, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, टॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है? टॉलेस्ट फ्लावर बता दो बच्चे, बताओ दिव्या टॉलेस्ट फ्लावर कौन सा होगा? अर्पित जल्दी, अमॉर्फोफिलस यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द टॉलेस्ट फ्लावर, राइट। वेरी गुड अनूप, बहुत बढ़िया। इन कैस्टर एंड मेज ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड बट जिट्नोगैमी अकर्स बिकॉज, एक बात बताओ कैस्टर और मेज में ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाती है लेकिन जिट्नोगैमी फिर भी हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, क्या रीजन हो सकता है? इसके दो ही ऑप्शन है, चार होने चाहिए थे, थर्ड ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पर डैशेज है तो वो मोनोइशियस है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, मोनोइशियस लिखा हुआ है या फिर नन, चलो क्या होना चाहिए भैया? कैस्टर और मेज में ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो गई लेकिन जिट्रोगैमी नहीं, वो मोनोइशियस है। कहने का मतलब ये है कि एक ही प्लांट में मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं लेकिन फ्लावर्स बाइसेक्सुअल नहीं है, प्लांट बाइसेक्सुअल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, आपको डायग्राम दिया हुआ है और आपको सेलेक्ट करना है लेबलिंग का कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। चलो डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए, लुक एट द डायग्राम और बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, चलिए बताइए बेटा, ए बी सी डी करके देख लो। ए क्या है? ए ओवरी लग रही है मुझे तो, है ना। सी क्या हो सकता है? सी एम्पुलर रीजन होना चाहिए। बी क्या होगा? बी क्या हो रहा था यहाँ पर? इनफंडिबुलम, है ना। और डी क्या होगा? डी कौन सा रीजन होता है? टू या थ्री? अर्पित ने थर्ड बोला है, उमा ने भी, बताओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 156 से बताइए। थ्री इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो 157, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, नॉट कंसिडर्ड एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, बताइए 157।
157 का बताओ बच्चों, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? फर्स्ट, ठीक है आगे देखिए। 158, सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड डिस्ट्रॉयज द एसिडिटी ऑफ वजाइना? इनमें से कौन से ग्लैंड का काम है वजाइना की एसिडिटी को डिस्ट्रॉय करना? सेमिनल वेसिकल, बार्थोलिन ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, कैल्सीफेरस ग्लैंड? बताइए बच्चों। मैं आपको बता देती हूँ, जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, वहां पर आप देखोगे लेटरल साइड ऑफ दी वजाइना दो यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड बार्थोलिन ग्लैंड्स। तो बेसिकली जो बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं, इन्हीं का काम होता है वजाइना की एसिडिटी को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है बच्चे, तो टू इज द करेक्ट आंसर। फिर पूछा गया है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटराइन मसल्स कौन करवाता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन? 159 का बताओ बच्चों। हाँ जी दिव्या बोलो, आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है, मैंने सुन लिया, कोई बात नहीं। 159 का बताओ, स्ट्रॉन्ग यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है इन चारों में से पार्चुरेशन के दौरान? वेरी गुड कनिष्का, मैदानशी, अंशुका, अनुष्का, सॉरी अनिल, बहुत बढ़िया, ऑक्सीटोसिन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, नेक्स्ट बताइए। पार्चुरेशन इज अ मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, इनहिबिटरी रिफ्लेक्स, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, हाइपोथैलेमिक रिफ्लेक्स? 160 का करेक्ट आंसर बताइए बच्चों। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर 160? बताइए क्या करेक्ट होगा अनुष्का? पार्चुरेशन का मतलब क्या है, इन चारों में से कौन सा सही होगा 160 के लिए? थ्री थ्री, बिल्कुल डिस्कवरिंग। अंकित, गौरव, बिल्कुल सही। अर्पित, वेरी गुड। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड अर्पित, बहुत बढ़िया। बच्चों आगे देखिए, सिग्नल्स कहाँ से आते हैं पार्चुरेशन के लिए? क्या सिर्फ प्लेसेंटा से आएंगे, या प्लेसेंटा और फुली डेवलप फीटस से आएंगे? क्या ऑक्सीटोसिन से आते हैं, या फिर फुली डेवलप फीटस ओनली? बताइए 161 का, 161 का करेक्ट आंसर बताओ। फकरे आलम अंसारी, 161 का करेक्ट आंसर। विशाखा, नो, प्रियंका, सेकंड, बिल्कुल सही। एचआर एडिशन, अर्पित, डिस्कवरिंग, गौरव, बहुत बढ़िया। मुबीन, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। मदरसे और फुली डेवलप फीटस दोनों से सिग्नल्स आते हैं, है ना? अब यहाँ पर आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 162 देख लेते हैं। लिखा हुआ है, विच चेंजेस डज नॉट अकर ड्यूरिंग पार्चुरेशन? इनमें से कौन से चेंजेस नहीं आते हैं पार्चुरेशन के दौरान? चलो बता दो। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन स्टॉप्स, रिलैक्सिन इज सिक्रीटेड, ऑक्सीटोसिन इज सिक्रीटेड, प्यूबिक सिम्फाइसिस बिकम्स टाइट। बताइए कौन सा इसमें से चेंज नहीं आता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन? लेट्स सी क्या बताया बच्चों ने, क्वेश्चन क्या है 162, कौन सा चेंज नहीं आता है बोलिए। श्रेया ने 4 बोला है, अर्पित ने भी 4, मुबीन ने 2 बोला है, डिस्कवरिंग मायसेल्फ ने 4, दिव्या ने 2, श्रेया बिल्कुल सही, अर्पित, राहिल, रिहाना, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। प्यूबिक सिम्फाइसिस बिकम्स टाइट, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन फर्टिलाइज्ड एग इन ह्यूमंस? जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ह्यूमन का, उसमें क्लीवेज के रिगार्डिंग कौन सा सही है? वेरी गुड मिक्की मैग, उमा भारती, 163 का बताओ बच्चों। 163, इट स्टार्ट्स व्हाइल द फर्टिलाइज्ड एग इज इन फेलोपियन ट्यूब, इट स्टार्ट्स व्हेन द फर्टिलाइज्ड एग रीचेस यूट्रस, इट इज मेरोब्लास्टिक, इट इज आइडेंटिकल टू द नॉर्मल माइटोसिस। ट्रू बताना है आपको, बिल्कुल करेक्ट कौन सा होगा दिव्या विशाखा? क्वेश्चन नंबर 163 को लेकर ट्रू बताइए। 163, क्या ये क्लीवेज तब स्टार्ट होती है जब वो फर्टिलाइज्ड एग फेलोपियन ट्यूब में होगा, या फिर जब वो यूट्रस में पहुंचेगा? बोलिए फर्स्ट बेटा, जब फेलोपियन ट्यूब में होता है वहीं पर डिविजन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इंटरमिक्सिंग ऑफ क्रोमोजोम, मेल और फीमेल गैमेट के क्रोमोजोम्स का इंटरमिक्सिंग होना, मेल और फीमेल गैमेट के क्रोमोजोम्स का इंटरमिक्सिंग होना, वो क्या कहलाता है? फोर्थ, एम्फीमिक्सिस। क्या कहलाएगा बच्चों? एम्फीमिक्सिस। इसका मतलब क्या होगा? फ्यूज, जो फर्टिलाइजेशन जब होती है तो मेल और फीमेल गैमेट्स के जो क्रोमोजोम्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं।
बाय द प्रोसेस. वेरी गुड अनूप. एम्फीमिक्सिस. ठीक है, नेक्स्ट बताइए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पर्म एंजाइम हेल्प्स टू पेनिट्रेट जोना पेल्यूसिडा. जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करने में स्पर्म का कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा? भाई एक्रोसोम से निकलने वाला एंजाइम है, सो व्हाट शुड बी द नेम? बताइए बच्चों, एक्रोसोम से निकलने वाला एंजाइम है. 165 का करेक्ट आंसर बोलो. बताइए बच्चों. वेरी गुड. ओम ने 4 बोला है. हाँ 165 का बताओ बच्चे. नेहा अनूप 3 बोल रहे हैं. इट्स क्लास 12, हम 12th क्लास की बात करें. वेरी गुड अर्पित. एक्रोसन इज द करेक्ट आंसर. ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि रिलीज किया जाता है बाय स्पर्म ताकि वो जोना पेलिसिडा को आसानी से पेनिट्रेट कर सके और फर्टिलाइजेशन हो जाए. ठीक है, चलो 166 बताओ बच्चों. वेरी गुड फैज. 166 बताइए. लेयर्स ऑफ ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. बाहर से शुरू करते हुए अंदर की तरफ ओवम की जो लेयर्स हैं उनके बारे में बताइए. करेक्ट सीक्वेंस बताना है. चलो बाहर से अंदर की तरफ, सबसे अंदर कौन सी लेयर होती है और सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है वो बताइए आप. 166 क्वेश्चन नंबर है. फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड बच्चों, जिन्होंने वन बोला है. पहले सबसे बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेल्यूसिडा एंड देन विटिलाइन मेम्ब्रेन. विटिलाइन मेम्ब्रेन इज द इनर मोस्ट लेयर. ठीक है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. अब पूछे विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमन प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस. भाई यूट्रस के अंदर कहीं एम्ब्रियो डेसिकेट ना हो जाए, रप्चर ना हो जाए, फट ना जाए, है ना? तो कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हेल्प करती है उसको, मतलब प्रिवेंट करती है डेसिकेशन से? क्या योक सैक प्रिवेंट करेगा, एमनियन, कोरियोनिक या एलेंटॉइस? बताइए. डिस्कवरिंग माई सेल्फ ने 2 बोला है. प्रियंका ने, सागर ने, कनिष्का ने, सब ने 2 बोला है. वेरी गुड बच्चों, 2. एमनियन इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड, एमनियन इज द करेक्ट आंसर. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट बताइए. ब्लास्टोफोर इज द ओपनिंग ऑफ. ब्लास्टोफोर किसकी ओपनिंग होती है और कहाँ पर मिलती है? ब्लास्टोसील की ओपनिंग है और ब्लास्टुला में मिलेगी. ब्लास्टोसील की ओपनिंग है और गैस्ट्रुला में मिलेगी. आर्केंटीरोन की ओपनिंग है और गैस्ट्रुला में मिलेगी. आर्केंटीरोन की ओपनिंग है और ब्लास्टुला में. बताइए 168 का क्या करेक्ट आंसर होगा बच्चे. 168, ब्लास्टोफोर किसकी ओपनिंग होती है? ब्लास्टोफोर, दिस इज द आर्केंटीरोन. आर्केंटीरोन इनसाइड द गैस्ट्रुला. और आर्केंटीरोन की जो ओपनिंग होती है बच्चों उसको कहा जाता है ब्लास्टोफोर. सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. आर्केंटीरोन की ओपनिंग को ब्लास्टोफोर कहते हैं. ओम. वेरी गुड चित्रा वर्मा. ठीक है, और ये गैस्ट्रुला वाली स्टेज में मिलेंगे. ठीक है, चलो 169. अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा. इनमें से कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा प्रोड्यूस नहीं करती है? ओके साख्या, सेखा एक्चुअली. तो बताओ 169 कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा प्रोड्यूस नहीं करती है? बोलो. HCG, HPL, TSH, रिलैक्सिन. एक्चुअल में वैसे तो रिलैक्सिन भी ओवरी ही प्रोड्यूस कर रही है, ऐसा सच कोई प्लेसेंटा नहीं कर रही है. बट जो ये TSH है ना, ये TSH, ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए. बेस्ट ऑप्शन में से TSH बताओगे आप. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए. व्हाट डज द फिलीफॉर्म अपैरेटस डू एट द एंट्रेंस ऑफ पॉलन ट्यूब. मतलब फिलीफॉर्म अपैरेटस का फंक्शन क्या है? फिलीफॉर्म अपैरेटस का फंक्शन क्या है बच्चों, जल्दी बता दो. फिलीफॉर्म अपैरेटस का क्या फंक्शन होगा? बस कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं बेटा. फिलीफॉर्म अपैरेटस का फंक्शन बताइए. यस विकास पटेल, फिलीफॉर्म अपैरेटस का फंक्शन बताओ बच्चे. मारिया, अर्चना, बोली जयप्रकाश. टू गाइड द पॉलन ट्यूब फ्रॉम सिनर्जिड टू द एग, है ना? या फिर पॉलन ट्यूब की एंट्री करवाएगा इनटू सिनर्जिड. भाई ये ही होना चाहिए. कौन सा होना चाहिए?
टू गाइड द पॉलन ट्यूब फ्रॉम अ सिनर्जिड टू द एग, इट हेल्प्स इन एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू, भाई थर्ड होगा यार ये, सही नहीं है, थर्ड सही है, थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ वो एंट्री करवाता पॉलन ट्यूब की, बहुत बढ़िया, ठीक है। 171 बताओ, एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, इनमें से किसकी सीड में पूरा एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो यूज कर लेता है, यानी कि नॉन एंडोस्पर्मस कौन सा होगा इसमें से, जिसमें एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो ने सारा का सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया, बताइए कौन सा होगा, पी होगा, पी नॉन एंडोस्पर्मस, ठीक है। अब बताइए इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है विद अ सीड, सीड विद एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड करंकल, एंडोस्पर्म भी है, पेरिस्पर्म भी है एंड करंकल भी है, बताइए कौन सा ऐसा है। 172 बताइए, 172 बताओ, बोलो बच्चों, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। एक और चीज मैं बता दूं, टेलीग्राम पे अगर आप लोगों ने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, सारे चैप्टर्स के नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। मैं लिंक दोबारा से शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, मैं लिंक फिर से शेयर कर रही हूँ, ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए अगर आप में से किसी ने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है। बच्चों मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है लिंक, आप लोग अभी ज्वाइन कर सकते हो बेटा। 172 का फर्स्ट होगा करेक्ट आंसर, 172 का करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 173 बताइए, फिलीफॉर्म पैरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, फिलीफॉर्म पैरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, चलिए जल्दी बताइए बेटा, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करना है आप लोगों को और रेगुलर रहना है, जो नीट वाले बच्चे हैं वो 11 12 दोनों के लिए तैयार रहिए, ठीक है। अब मैंने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक पूरा करवा दिया है, फोर्थ की बस एक ही क्लास रह रही है जो कि थर्सडे को हम लेंगे, राइट, तो फ्राइडे को एक क्विज करेंगे हम, क्लास 11th की क्विज करेंगे फ्राइडे को चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक, तो तैयार रहिएगा आप सभी नीट वाले बच्चे, MCQs डिस्कस किए जाएंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक, ठीक है बच्चों। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप पूरी डॉट बी, टेलीग्राम का लिंक मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है, फिर से शेयर कर रही हूँ, जिस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो, बस अर्पित ऐसे ही खुश रहो, मैं ऐसी क्विज ऑर्गेनाइज करती रहूंगी आप लोगों के लिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। बच्चों बताओ क्लिस्टोगैमी की एडवांटेज क्या है, क्लिस्टोगैमी की एडवांटेज क्या है, बोलो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्लिस्टोगैमी की क्या एडवांटेज है। हेलो अदनान, बताइए बच्चों, इट्स ओके श्रेया, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं बच्चे, आप लोग वीडियो शेयर करते रहो बस, मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ डिस्कस करते रहूंगी, ठीक है। बताओ बच्चे लास्ट क्वेश्चन है 174, क्लिस्टोगैमस की एडवांटेज क्या है, क्या फायदा है क्लिस्टोगैमस का, क्लिस्टोगैमी फ्लावर का या ऐसे फ्लावर का जिसमें क्लिस्टोगैमी होती है, बोलिए। हेलो गोकुल, क्वेश्चंस के आंसर करो बच्चों, श्योर पॉलिनेशन होती है, डिस्कवरिंग माई सेल्फ ने बोला श्योर पॉलिनेशन होती है, तो इन चारों में से करेक्ट कौन सा होगा, ए बी सी डी या 1 2 3 करके बताओ बच्चों। अर्पित ने बोला थर्ड, एब्सोल्यूटली राइट, नो डिपेंडेंसी ऑन पॉलिनेटर्स, बेटा क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हमेशा क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, है ना, तो जब वो हमेशा बंद रहेंगे तो फिर पॉलिनेटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चों 11th की लाइव क्लास हर थर्सडे और फ्राइडे को होती है, हर थर्सडे और फ्राइडे को 11th की लाइव क्लास होती है 8 बजे, ठीक है। तो इस बार जो थर्सडे आएगा हम चैप्टर नंबर 4 फिनिश करेंगे और फ्राइडे को क्विज करेंगे क्लास 11th की चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक, ठीक है बच्चों। क्लास 11th की क्विज चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक की होगी इस फ्राइडे को, राइट, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे चारों दिन हम लाइव आते हैं, तो ध्यान रखिए, ऑल ऑफ यू बी देयर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए पूरी डॉट बी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ना, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, सो ऑल द बेस्ट। किसी को कोई भी डाउट लग रहा है, कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो, अभी भी टाइम है, पूछ लो बेटा, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, आईडी का नेम
puri.bee इंस्टाग्राम आईडी है puri.bee बेटा, इंस्टाग्राम आईडी है puri.bee, दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी एंड ऑल ऑफ यू कैन फॉलो मी। ओम उपाध्याय, अभी कुछ पता नहीं, वैसे सुनने में आ रहा है कि मार्च की जगह अप्रैल या मई में हो सकता है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग तैयारी रखिए। थैंक यू सागर। हाँ जी अर्पित बोले, क्या डाउट है? हाँ जी शेखा, मैं नहीं नहीं बात प्रॉब्लम ये है, मैं इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाती इंस्टा पे। आप लोगों के मैसेज ना पहले रिक्वेस्ट में थे, तो मुझे पता था कि रिक्वेस्ट के मैसेजेस भी होंगे, 60, 70, 80 मैसेजेस थे, तो मैं सारे पढ़ नहीं पाई बेटा, बट पक्का आई विल ट्राई टू रिप्लाई। मैंचिटे का मतलब होता है एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर जो कि स्पर्म के हेड रीजन में प्रेजेंट होगा और वो हेल्प करेगा स्पर्म्स के ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है अर्पित, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 172 आपसे पूछा गया था प्रमोद कि कौन सा ऐसा सीड होता है जिसमें एंडोस्पर्म भी है, पेरिस्पर्म भी है और कैरेंकल भी है, तो आपको आंसर याद रखना है कैस्टर, कैस्टर ऐसा सीड होता है। गौरव, जीन थेरेपी का मतलब होता है एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम किसी के जेनेटिक डिसऑर्डर को, जीन के डिफेक्ट को क्योर करते हैं। ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ अ लॉट ऑफ टेक्निक्स। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम। हां जी दीपाली, इंग्लिश के लिए भी मैं कल से स्पीकिंग की क्लासेस शुरू कर रही हूँ आप दूसरे चैनल पर, आप सब लोग उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसी मेरी हेल्प करते रहेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सो अब हम कल मिलेंगे बच्चों, कल मिलेंगे, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, कोई क्लास मिस नहीं करेगा, चैप्टर नंबर 5 क्लास 12। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।